कैसे आप सब? मैं तो एकदम ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत फिर से एक नए दिन की, मेरे साथ, मेरे छोटे छोटे मोमेंट्स के साथ जो मैं करूँगी शेयर आपके साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। जा रही हूँ चाय बनाने, थोड़ी सी चाय बनाऊंगी फिर यहाँ लेके आऊंगी। ये फॉरेन के लिए। भिंडी की भुजिया, चटनी एंड चपाती, धनिया की चटनी है। हाँ, धनिया, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च। मैं थोड़ी देर के बाद करूंगी, थोड़े काम है इसलिए। चावल बन रहा, चाय बन रहा, चढ़ा दिया मैंने गैस पे। मिथिलेश जी पूछ रहे हैं बिरयानी कब बनेगा। चिकन चाउमीन। अच्छा, हाँ, चिकन चाउमीन भी जल्दी ही बनेगा। जल्दी मत, अब संडे को निकल रहा हूँ, एक सप्ताह के लिए। हाँ तो आप सामान ला दीजिए, मैं तो बना दूंगी। इंटरव्यू लेता है, रिक्रूट करता है, एडमिट का जो ऐसा भी प्रोफाइल एक्सपीरियंस होना वही काम आता है ना। ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है। आज बहुत तेज धूप है बालकनी में। ये देखिए, और मैंने नहा लिया, खाना भी खा लिया, थोड़े बहुत है काम अभी, मतलब थोड़े से ही है, थोड़ी देर के बाद करूंगी। और मैं जा रही हूँ मोबाइल पे, मुझे जो मन करेगा वो देखूंगी अभी उसके बाद फिर काम। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये मेरे कल के कपड़े हैं जो मैंने वॉश किए थे, और ये है मिथिलेश। अब मैं इनको कबर्ड में रखूंगी।
अच्छी धूप है बालकनी में, कपड़े वॉश हो गए। और जो कल के कपड़े वॉश किए थे ना, उसको फोल्ड करके रख दिया, सूख गए थे वो। और ये वाले भी, कितनी हवा है देखिए, अच्छी हवा आती है खड़े हो जाते, माइंड फ्रेश हो जाते हैं यहाँ खड़े होने से। और मैंने जो बड़ी बनाए थे ना, बहुत टेस्टी बने, एक बार और बनाऊंगी, बना के रख लूंगी। कल आलू के साथ बनाई थी, बहुत टेस्टी बना था, और आधा अभी बाकी है, उसको बनाऊंगी। और जो अभी मूंग दाल रखा है ना, मूंग नहीं उड़द की दाल, उसको फिर से और एक बार बनाऊंगी। बहुत आवाज आती है आपको, मैंने माइक भी नहीं लगाया, बट आपको पता चलेगा यहाँ का माहौल। जब माइक लगाते हैं तो सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई पड़ती है, माहौल कैसा पता नहीं चलता है। लेकिन ऐसी रिकॉर्डिंग करो ना तो पता चलता है मेरे आसपास क्या हो रहा है। मैंने ना फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किया हुआ है, इसलिए आता है, स्टिचिंग भी आती है। अपने कपड़ों का खुद मैं डिज़ाइन करती हूँ, ब्लाउज का भी डिज़ाइन खुद ही करती हूँ। अच्छे हो मतलब अच्छे रहते हैं मेरे ब्लाउज के डिज़ाइन और ड्रेसेस के भी। कभी पहनूंगी ना तो बताऊंगी कौन सा मैंने सिला है ड्रेस। इसलिए मेरे पास दो दो सिलाई मशीन है, एक मम्मी वाली है जो मम्मी ने मुझे दिया था, हैंड वाली उषा की वो है, और एक और उषा की है जो बहुत फास्ट सिलाई होती है, इलेक्ट्रिक वाली, दोनों मुंबई में है। अच्छी सिलाई करती हूँ, बट अभी इस वक्त नहीं है। मैं इसलिए बता रही हूँ ना, यहाँ पर इतना समय है तो मैं यहाँ पर सिल सकती थी, बट यहाँ तो मशीन है नहीं। मैं अपने बेडरूम में बैठी हूँ और ठीक सामने विंडो है, और विंडो के सामने पेड़ है बड़ा सा, एक नीम का पेड़ है और एक कुछ पेड़ है। बहुत ही ठंडी हवा आती है, अभी दिखाती हूँ। ये है मेरी विंडो और ये है वो पेड़, कितनी हवा चल रही है पेड़ पे देखिए। तो यहाँ बेडरूम में बैठ के मैं उधर देखती रहती हूँ, अच्छा लगता है देखना मुझे। सूखे नहीं है, व्हाइट कपड़े को ना अलग से धोना चाहिए, तब उसकी ब्राइटनेस बरकरार रहती है। मैं कभी मिक्स करके नहीं धोती। आयरन वाले के पास कितनी सारी औरतें बैठी है, ये ना स्प्राउटेड है मूंग और चना, मिथिलेश ये ही ना टिफिन लेके गए हैं, मतलब लंच के लिए लेके गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ शाम को ना इसकी सब्जी बनाऊं, थोड़ा ज्यादा प्याज डाल के, अच्छा लगेगा। आज मैंने लंच में ना साग और चावल खाया, बहुत टेस्टी लगता है मुझे, उसको बोलते हैं साग भात, बिहार में बोलते हैं साग भात, बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है, मुझे तो पसंद है बहुत। और ना बिहार में ना जो सरसों की साग होती है ना, उसमें ना कच्चा लहसुन, हरी मिर्च और कच्चा सरसों का तेल और नमक उसमें डाल के ना मैश करके तो खाते हैं चावल से,
बहुत अच्छा लगता है। तो साग को छौंकते नहीं है, पहले ऐसे ही उसको उबाल लेते हैं, फिर उसमें ये सारी कच्ची चीज़ें डाल के उसको मैश करके तब खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। पर आज मैंने छौंका था साग को ना, लहसुन से हरी मिर्च से छौंक के बनाया था। साग खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, सबको खाना चाहिए। हर दूसरे तीसरे दिन में साग बनाती हूँ। हरी मिर्च, शाम के ना 4:30 बज गए हैं और मैंने बोला था ना कि मूंग और चने का सब्जी बनाऊंगी, मतलब उसको रात को मैंने फुला दिया था। अभी उसको ना हल्का मसाला डाल के सब्जी टाइप का बनाऊंगी, तो चपाती से अच्छा लगेगा। उसी को ना मैंने बॉयल कर रही हूँ, कुकर में डाल दिया है, 2-3 विसल मारेगा ना तो हो जाएगा। फिर जाके थोड़ा सा हल्का मसाला डाल के, जो मतलब मैं तो डालती हूँ जीरा और अदरक डाल के बना लो, तो शाम का डिनर के लिए हो जाएगा और साथ में गर्मा गर्म चपाती। ये सारी चीजें ना हम मिथिलेश जी गए थे किसी कंपनी में, उन्होंने उनको गिफ्ट दिया मेरे लिए। है ना, इतनी सारी चीजें खाने की। मैंने इसमें से खाई, स्वीट्स है, बहुत टेस्टी है। बाकी सब रहेगा धीरे धीरे, चाय के साथ खाई। स्प्राउटेड मूंग का मैं सब्जी बनाने वाली थी ना चपाती के साथ, बट प्रोग्राम चेंज हो गया और फाइनली मैंने चाट बना दिया उसका, बट बहुत टेस्टी लगा। मूंग दाल, मूंग का स्प्राउटेड मूंग को मैंने बॉईल कर दिया है और इसमें डाला है हरी मिर्च, प्याज, थोड़ा सा मिक्सचर किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।